ये हो जाएगी लगभग 2.5 लाख रुपए की, ये 1,20,000 की, ये भी 1,20,000 की हो जाएगी एक्सट्रीम पंच फेस। और देख सकते हो आप, ये लगभग 2.5 लाख रुपए की हो जाएगी कैलिको फीमेल आपको, ये लगभग 1,20,000 की हो जाएगी। अगर मेलों का लगभग 2.5 लाख रुपए का वो भी होगा। अस्सलाम वालेकुम, आज हम शहर श्रीनगर से 3-4 किलोमीटर दूर छानपुरा के इलाके में आए हैं, जहां हम आपको एक ऐसे नौजवान से मिलाएंगे जिनके पास ऐसे अकसाम की बिलियां मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो बिली है इसकी कीमत 2.5 लाख रुपए है, यानी कि मेहनत शौक से इन नौजवानों ने पहले जो ये बिलियां बाहर से मंगवाई है, फिर यहाँ पे इनकी ब्रीडिंग करवाई है। ये जो बिली है इसका जो कीमत है 2.5 लाख रुपए है। और अगर आप हमारे सामने देखेंगे खूबसूरत बिलियां, इनका कीमत भी 1,20,000 के करीब है और इनका भी लगभग 1 लाख से ऊपर ही है। अगर हम बात करेंगे बिल्लियों का, कश्मीर में लोगों का शौक है बहुत से ऐसे जानवरों को पालने का, लेकिन जो बिल्ली है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिल्लियों को पाला है और इनकी बहुत वो कदर करते थे। इसमें अहदीस में भी आया है कि किस तरीके से वो बिल्लियों के शौकीन थे। तो बिल्लियां पालना कोई गुनाह नहीं है, इनकी देखभाल करना सवाब ही है। तो अभी हम आपसे इनसे मिलाएंगे जो आगे हमें इनकी डिटेल्स देंगे। कर पाते कोई करता है, एफर्ट कोई नहीं कर पाता है। जो नहीं कर पाता है वो लगभग 15,000 से स्टार्टिंग होती है हमारी डॉल्फिस 1,000 और समी पंच होता है और एक्सट्रीम पंच होता है। इसमें अलग अलग वैरायटीज़ है, ये लगभग आपको कैलिको फीमेल 2.5 लाख रुपए की हो जाएगी। ये जो अभी आपके पास मौजूद है ये इनका कॉस्ट हमें एक एक करके बताएं। ये जो कैलिको फीमेल है ना, कैलिको फीमेल सबसे ज़्यादा महंगी होती है। अगर इसमें आप डॉल फेस में भी ढूंढोगे कैलिको, कम से कम 25,000 से आपको कम नहीं मिलेगी। यानी कि ये जो ऊपर वाली है इसका कॉस्ट 2.5 लाख रुपए, इसके 2.5 लाख रुपए का इसका। और जो ये नीचे दो है इसके दो ना, ये ज्यादा नहीं, क्योंकि रेड एंड व्हाइट, अगर मेल होता रेड एंड व्हाइट तो कम से कम ये भी 1.5 लाख का बिकता। आपने कितने यूनिट आज तक सेल किए? मैंने इस टाइम मेरा दूसरा लीटर, ये पहला लेटर जो था इसमें कैलिको फीमेल मेरी एक थी, तो उसमें 5 पैदा हो गए थे। और नाम अदील आफ्ताब शेख है, मैं छानापुरा में मेरा शॉप है और ये फीलाइन पर्स से बोल रहे हैं, और ये सेफ है, कैट है, ऑरिजिनल पर्सन विद पेडिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। ये कैलिको फीमेल है, ये रेड एंड वाइट है, ये भी तीनों फीमेल्स है। मेल जो था वो ये हो गया है, रीसेल हो गया है, तो अब इस टाइम डॉल फेस भी होगा और एक्सट्रीम पंच फेस है। ये और एक्सट्रीम पंच फेस है, ये वो जो एक्सट्रीम पंच फेस है वो वाला नहीं है जो यहाँ पे बोलते हैं, वो ट्रेडिशनल लॉन्ग ईयर होता है, ये ओरिजिनल वाला है। शौक था तो इसी के साथ मैंने, फिर घर वालों ने बोला अगर करना है तो इसी के साथ करो, फिर मैंने इसी के साथ किया। दौर में देखते हैं ज़्यादा कि कैट्स के ज़्यादा यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है इस टाइम कश्मीर में, तो इसीलिए मैंने बोला अगर सारे कर रहे तो मैं कुछ डिफरेंट कर लूँ, तो मैंने फिर CFA कैट यहाँ पे बाहर से मंगवाई विद सर्टिफिकेट। मंथली इनका खाना, अगर इनका देखा जाए खाना, तो मंथली इनका लगभग 4,000 रुपये है पूरा खर्चा। रॉयल कैन खाती है, रॉयल कैन किटन और NND मिक्स खाते हैं, तो वो प्रीमियम सबसे इनमें खाना आता है। और ये बाहर अगर देखा जाएगा कि इनको टेक केयर इनको उनसे ज़्यादा करनी पड़ती है, जो यहाँ पे है ना पर्शियन बोल रहे हैं, जो पर्शियन दिखा रहे हैं 15,000 से स्टार्टिंग है, उनकी टेक केयर इनसे कम है। उनको लगभग महीने को 2,500 रुपये का खर्चा है, इनको लगभग कम से कम 4,000 का खर्चा हो जाएगा। कितने सालों से आप ये काम अभी कर रहे हैं? मुझे लगभग कम से कम 2 साल हो गए। मैंने असली स्टार्टिंग से मुझे शौक था कि मैं कैट एक रिसीव करूं तो और पाल लूं, तो मैंने एक कैट लाई, फिर मुझे शौक हो गया इसी के साथ। और मैं उस टाइम 10th में पढ़ता था तो मैंने उसी के साथ किया, तो फिर मुझे कल बिजनेस का, मेरी पापा की डेथ हो गई थी तो फिर उसके बाद मुझे बिजनेस का करना था। मैंने बोला घर वालों को अगर मुझे करना है तो मैं इसी के साथ करूँगा, मुझे शौक भी है और इसका। तो फिर मुझे असली मामू ने किया, टेक केयर किया मामू ने, तो उसने मुझे सपोर्ट दिया, तो फिर उसने मुझे दिया सपोर्ट, तो फिर मैंने स्टार्ट किया। उन नौजवानों के लिए आपकी क्या मैसेज है? हम देखते हैं कि आज के दौर में अगर देखेंगे लोग ड्रग्स में, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो ड्रग्स की ओर जा रही है, लेकिन हम हर वक्त उनकी हौसला अफजाई करते जो जवानी में ही कुछ काम करते। आपकी उन बेरोजगार नौजवानों के लिए जो पढ़े लिखे लेकिन सरकारी मुलाजमत के पीछे भागते, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? उनके लिए मेरी एक ही मैसेज रहेगी कि जिनको जितना शौक है, किसको क्रिकेट में खेलने का शौक है तो उसी में के साथ करो। किसी को ब्रीडिंग के साथ होता है, किसी को ये पियर्स करते हैं, कुछ बिजनेस करना चाहता है, जिसको जो करने का शौक है वो करो, बट ये ड्रग्स वग्स का नहीं होना चाहिए। हमने देखा कि साइड में आप जो इनकी एसेसरीज हो या ये इनके खाने पीने की चीज़ें, तो
इसमें आपको क्या अभी फीडबैक मिल रहा है? इसमें एक्सेसरीज फूड वूड अच्छे से चलता है यहाँ पे कश्मीर में, क्योंकि महीना तो होता है इनको खाना वाना सारा रीसेल होता है अच्छे से, इनका कोई टेंशन नहीं होता है। और खाली ये होता है कि एक्सेसरीज कम निकलती है थोड़ा, तो जो फूड होता है वो अच्छा खासा निकलता है। सैंड होती है, लिटर ड्राई होती है, वो एक बार लेनी है आपको लिटर ड्राई, तो उसके बाद जो आपको सैंड में लेनी है वो महीने पर महीने सैंड और फूड लेना है। अगर हम बात करेंगे जो आपके कस्टमर्स है वो कहाँ कहाँ से यहाँ आते हैं? कस्टमर मुझे बहुत बहुत दूर से आते हैं, मुझे यहाँ से आते हैं, हरवन से आते हैं, और क्या बोलते हैं लाल चौक से आते हैं, मुझे यहाँ से जवाहर नगर से आते हैं, और बागी महताब से आते हैं, मुझे बहुत दूर दूर से कस्टमर आते हैं। बताइए। अस्सलाम वालेकुम। इस बिल्ली का नाम हमने रखा है हूर। सो शी इज़ अराउंड 1 year and 4 months। इसको ट्रेडिशनल लॉन्ग हेयर भी कहते हैं, जबकि यहाँ पे कश्मीर में पर्शियन बोला जाता है, बट इट्स नॉट पर्शियन। तो और अब क्या मैं आपको बोलूँ, बहुत फ्रेंडली है, बहुत ह्यूमन नेचर इसका बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, कभी बाइट नहीं, कभी कुछ नहीं, एग्रेसिव नहीं। ठीक, आप खुद देख सकते हो, नॉर्मली खाते वाते खुद है, मतलब अल्लाह ने इनको रखा है, वो दिया है इतना दिमाग, ये खुद खाते हैं, एंड लिटर यूजुअली बहुत अच्छे से करते हैं, कहीं पे घर पे कुछ गंदा नहीं करते। और खाना वाना तो वही है, मतलब मार्केट से यू गेट फूड, कैट फूड आता है तो आप ले लेते हो, एंड बाउल एक में दिया, खुद खा लेते हैं बस। मैं अपनी बिल्ली को लगभग 3 दिन के बाद ला रहा हूँ वापस, जो थी यहाँ भी रखी थी मैंने, क्योंकि मैं कहीं गया था, तो आज 3 दिन लिटरली आई मिस्ड हर अ लॉट, क्योंकि होता है एक वो कनेक्शन बन जाता है बिल्लियों के साथ। ये खाली मैं नहीं हूँ, मेरी फैमिली भी एक कनेक्टेड है इसके साथ बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी एक साल से एक साथ हैं हम, मतलब खाते वाते एक ही जगह है, कुछ ऐसा नहीं है कि उसको अलग रखा है हमने या कुछ ऐसा, तो बाकी शी इज़ लाइक अ फैमिली टू अस। अच्छा, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है मेरे साथ कि मैंने इसको कभी हर्ट किया, बट हो जाता है कभी, मतलब दे आर वेरी प्लेफुल, मतलब कभी आ जाते हैं पैर के नीचे, कभी आ जाते हैं या कुछ ऐसा, बट कभी इन्होंने एग्रेशन नहीं दिखाया, मतलब इवन इफ यू सी दीज कैट्स हाउ काम दे आर,